हाय गाइस, चलते हैं आज डिक्टेशन क्लास में। यदि आप लोग मेरे चैनल पे न्यू होंगे या ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि वीडियो यदि डिक्टेशन क्लास का आपको वीडियो पसंद में आए, यदि डिक्टेशन सही आपको आए, दिखा पा रहा है, आवाज़ यदि सुनाई दे रहा है सही से, तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके पास, फ्रेंड दोस्त यार के पास पहुँचे और वो भी आपको एग्जाम के लिए तैयारी अच्छे से कर सके। तो इसमें और ये बेल घंटी मेरे बगल में सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल घंटी बगल में आएगा, उसे आप प्रेस कर दें ताकि कोई भी आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचे। तो चलते हैं आप आनंद अशुल्पिक मासिक पत्र पत्रिका में, इसमें आप कोई ऋषि प्रणाली से भी कर सकते हैं, मानक से कोई भी, आप जो जो जैसे जैसे पढ़े होंगे आप कर सकते हैं, डिक्टेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम के लिए अच्छे से। आपको 80, 120, 100 तीनों आपको स्पीड मिलेंगे, अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलते हैं, आपका डिक्टेशन स्टार्ट होता है 3 सेकंड में। तो रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, प्रारंभिक समय में तो हथकरघा उद्योग ने काफी प्रगति की, किंतु मिलों के वस्त्रों के प्रचलन में आने पर यह उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस कारण यह है कि मिलों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की कीमतें अपेक्षाकृत कम होती हैं, साथ ही उपभोक्ता मिलों द्वारा उत्पादित भिन्न भिन्न रंगों और डिजाइनों के वस्त्रों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। परिणाम स्वरूप मिल वस्त्रों की प्रतिस्पर्धा में हथकरघा वस्त्रों का टिकना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसके विपरीत हथकरघा वस्त्र परंपरागत व प्राचीन फैशन के होने के कारण कई बार महंगे भी होते हैं। मिल वस्त्रों के प्रचलन में आने और हथकरघा वस्त्रों के अप्रचलित होने का प्रभाव यह हुआ कि हथकरघा वस्त्रों की मांग अंततः कम हो गई। 18वीं शताब्दी के मध्य तक तो हथकरघा उद्योग द्वारा उत्पादित वस्त्रों की मांग विश्वव्यापी थी। भारत के अन्य प्रांतों के साथ साथ मध्य प्रदेश से भी हथकरघा वस्त्रों का निर्यात विदेशों को किया जाता था, किंतु मिल प्रणाली के प्रचलन में आने से अब इन वस्त्रों की मांग स्थानीय होकर रह गई है। स्थानीय स्तर पर भी हथकरघा वस्त्रों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। हथकरघा उद्योग में दो प्रकार के श्रमिक कार्यरत हैं, एक तो वे जो बुनकरों के परिवार के सदस्य हैं जिनमें महिलाएं व बच्चे भी सम्मिलित है, और दूसरे वे जो बाह्य श्रमिक हैं। प्रत्येक हथकरघा में दो श्रमिक परिवार के सदस्य हैं तथा कम कर्गो पर बाह्य श्रमिक कार्यरत हैं। परंपरागत उद्योग होने एवं सस्ती श्रम सुविधा उपलब्ध होने के कारण इस उद्योग में बुनकरों व श्रमिकों की पूर्ति की समस्या नहीं है, बशर्ते उनके प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इनके कार्य के घंटे उपेक्षाकृत अधिक हैं, मजदूरी की दर में भिन्नता और मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित होने के कारण श्रमिकों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इसके अलावा जब किन्हीं कारणों से वस्त्र उत्पादन कार्य 2-3 दिन तक बंद रहता है तब इन्हें कार्य की हानि होती है जिससे उनका आर्थिक नुकसान होता है। बुनकरों में संगठन एवं सहयोग का अभाव भी उनके शोषण का कारण है। हथकरघा उद्योग में विनियोजित पूंजी
प्रायः बुन करों के स्वयं के साधनों से प्राप्त की गई है, लेकिन कुछ ऐसे भी बुनकर हैं जिन्होंने संबंधित विभाग से ऋण ले रखा है। स्टॉप। तो ये डिक्टेशन आपको था, ये 100 पर वर्ड यानी 100 WPM यानी 100 पर शब्द था, 4 मिनट में बोला गया है। आपको डिक्टेशन अच्छे से करना होगा। यदि आपको ये जो डिक्टेशन है इसका आपको PDF चाहिए तो डिक्टेशन ये डिस्क्रिप्शन में आपको जाकर मेरे जो चैनल है उसमें आपको जाने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक करके इस डाला रहेगा, उसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे वर्ड इसमें जो जो है वर्ड प्रॉब्लम उस भी सारे आपको इंक्लूड कर दिया गया है। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास की ओर। थैंक यू।